हरे कृष्णा। तो आज इस रविवार के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे किस तरह से रामायण के आधार पर जो हमारा मन हमें मोहित करता है और इस मन के मोह से हम कैसे परे जा सकते हैं। ये रामायण जो ग्रंथ है, ये शास्त्रों में बताया गया दो प्रकार के पुराण होते हैं। पुराण है, इतिहास है, से वेद है, उपनिषद है, पुराण है। तो पुराण और इतिहास, इसमें क्या है, जो प्राचीन काल में कुछ घटनाएं हुई हैं उनका एक काव्यात्मक पद्धति से प्रदर्शन किया गया है विस्तारित रूप से। तो भी रामायण में राम आयन, आयन मतलब जो जर्नी या प्रवास, तो प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन में क्या हुआ उसका वर्णन आता है इसमें। ये जो घटनाएं होती है शास्त्र में बताई गई है वो ऐतिहासिक है, पर वो केवल ऐतिहासिक नहीं है कि इतिहास के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं यह बताया गया है। तो अभी श्री संप्रदाय में एक आचार्य है गोविंद आचार्य, उन्होंने इस पे रामायण पे थोड़ा भाष्य लिखा है। तो उसमें कहते हैं कि जब प्रभु श्री रामचंद्र से सीता को छीन लिया, का अपहरण कर लिया रावण ने, तो रावण सीता को कहाँ लेके गया, कहाँ लेके गया, लंका में। यस, तो जब लंका में रह रहे थे तो वहाँ पे क्या था, लंका में सीता थी, रावण था और राम उनसे दूर थे। तो वो कहते हैं कि यही वास्तव में स्थिति हम सब की है इस भौतिक जगत में। ये भौतिक जगत में जो ये भौतिक जगत है, मान लीजिए ये एक लंका के समान है, और न केवल ये भौतिक जगत लंका के समान है, वास्तव में हम सब आत्मा जो है वो सीता के समान है। और ये भौतिक जगत में वास्तव में इस भौतिक शरीर में है, यह शरीर ही एक प्रकार से लंका के समान है, और जो रावण है वो हमारे मन के समान है। जो रावण क्या चाहता था कि वो सीता को खुद के लिए प्राप्त कर ले और सीता को राम से दूर ले जाए कह रहा। तो उसी तरह से जो हमारा मन होता है वह हमको और हम पर नियंत्रण करके हमको भगवान से दूर ले जाने का प्रयास करता है। और क्या करता है, जैसे रावण ने सीता को लंका में बंद कर दिया, उसी तरह से जो मन है वह हमको शरीर की चेतना में बंद कर देता है। शरीर की चेतना में बंद करना मतलब क्या, कि हम शरीर की ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। अभी शरीर की ज़रूरतें पूरा करना ये ज़रूरी है, वो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना ज़रूरी ही है, पर यह जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन की ज़रूरतें और जीवन का उद्देश्य, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। मान लीजिए अगर हम कोई गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी में पेट्रोल डालना ये ज़रूरी है, अगर पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं, पर वो गाड़ी चलाने का उद्देश्य ये नहीं है कि उसमें पेट्रोल डाले। गाड़ी चलाने का उद्देश्य है कि कहीं हमें जाना है, कोई किसी जगह पर जाना है, हमको किसी से मिलना है, कुछ चीज़ को देखना है, तो पेट्रोल ये गाड़ी की ज़रूरत है, और ज़रूरत पूरी नहीं होगी तो हम कहीं आ नहीं पाएंगे। पर ज़रूरत पूरा करना वही गाड़ी चलाने का उद्देश्य नहीं है। अगर हम किसी को पूछते हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, कहाँ जा रहे हैं, मैं गैस स्टेशन में जा रहा हूँ। यहाँ पे इंडिया में हम पेट्रोल पंप कहते हैं, मैं अमेरिका में पाश्चिम में कहता, वहाँ पे गैस स्टेशन कहते हैं। तो मैं गैस स्टेशन में जा रहा हूँ, पेट्रोल पंप में जा रहा हूँ, वहाँ पे क्या मैं पेट्रोल भरना है, ठीक है भले। उसके बाद में नहीं, मैं रोज़ गाड़ी निकालता हूँ और रोज़ पेट्रोल पंप जाता हूँ, और क्या करते हो गाड़ी का, नहीं मैं उतना ही करता हूँ। फिर गाड़ी ली क्यों, गाड़ी हमारी सेवा करनी चाहिए, ना कि हम गाड़ी की सेवा करें। गाड़ी को पेट्रोल भरना ये ज़रूरी है, पर यह जीवन का उद्देश्य नहीं है। जो जीवन की ज़रूरतें और जीवन के उद्देश्य, इन दोनों में फ़र्क है। इंग्लिश में इसको कहते हैं व्हाट वी लिव विथ एंड व्हाट वी लिव फॉर।
हम किस चीज़ के साथ जीते हैं और किस चीज़ के लिए जीते हैं। तो हमको जब तक शरीर है, शरीर की ज़रूरतों को पूरा करना ये ज़रूरी है, पर जो मन होता है, जब वो मन रावण जैसे प्रवृत्ति का हो जाता है, तो शरीर के ज़रूरतों को पूरा करना यही जीवन का उद्देश्य बना लेता है। जब उद्देश्य बना लेता है तो क्या होता है, अभी शरीर की ज़रूरतें हैं वह वास्तव में केवल ज़रूरतें नहीं हैं सर, ऐसे हम अन्न खाते हैं तो एक तरह से शरीर की ज़रूरत है, पर अन्न खाने में कुछ आनंद भी है, स्वादिष्ट अन्न होता है तो उसे प्रसन्न होते हैं। पर यह जो है स्वादिष्ट अन्न खाना यही जीवन का उद्देश्य नहीं है। कोई अगर कहता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं स्वादिष्ट अन्न खाता चाहता हूँ, ठीक है वो बात ठीक है, पर आपके जीवन का उद्देश्य नहीं, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है क्या, आपके जीवन में कुछ और ऊँचा नहीं करना है क्या? तो क्या है, जब ये मन शरीर, मन आत्मा को शरीर में बांध देता है, तो जब जो आत्मा होता है कोई मानव शरीर में होता है, कभी जानवरों के शरीर में होता है, जब वो जानवरों के शरीर में होता है तभी वह शरीर की ज़रूरतों के परे और कुछ सोच ही नहीं पाता है। जानवरों के शरीर में हम समझाते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नराणाम, तो इन दोनों में मानव और पशु ये सब समान है, पर फर्क इसमें यह है कि जानवर इसके परे और कुछ सोच ही नहीं सकते, वो ही उनको चाहिए और उसके परे और कुछ भी नहीं पता नहीं उनको। पर जो मानव है, हमारी चेतना इतनी विकसित हो गई है कि हम इस शरीर के परे भी मेरी कोई ज़रूरतें हैं, शरीर की ज़रूरतें पूरे करने के अलावा भी मुझे कुछ और करना है मेरे जीवन में, यह हम समझ सकते हैं, यह हम समझ सकते हैं। और फिर ये उससे बड़ा जीवन में क्या है ये खोज करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी अंधेरे कोठड़ी में उसको बंद कर दिया है, और अंधेरे कोठड़ी में से बंद कर दिया, उसमें एक ही खिड़की है, छोटी सी खिड़की, और उसमें से वो देख रहा है, तो उस खिड़की से उसको जो दिखता है वो सोचता है इतना ही, इतनी ही दुनिया है, जितना है उतनी ही रोशनी है, इतनी ही दुनिया है। पर मान लीजिए कि वह उसे थोड़ा दूर आता है बाहर, और बाद में देखता है कि ये ऊपर ये दीवार है, वास्तव में ये ऊपर जो दीवार है वो दीवार कांच की बनी, ऊपर जो रूप छत है कांच का बना हुआ है, और यहाँ से ऊपर से मुझे कुछ दिख रहा है, और जब मुझे ऊपर से कुछ दिख रहा है ये क्या है, इतना बड़ा आसमान है, इतनी बड़ी दुनिया है, तो मुझे ये छोटे से खिड़की से जो दिख रही थी वो दुनिया उतनी ही नहीं है, उससे और बड़ी दुनिया है। उस तरह से जब आत्मा जानवरों के शरीर में होता है तो उसकी दृष्टि मान लीजिए वो एक छोटे से खिड़की से देख रहा है, तो सारे दुनिया को वो क्या देखता है, कैसे मुझे यहाँ पे आहार मिलेगा, निद्रा मिलेगी, कैसे मैं भय से निवारण होगा, और कैसे मैथुन प्राप्त कर सकता हूँ, उसके अलावा कुछ सोच नहीं सकता है, उसे उसी खिड़की से देख रहा है। अभी मानव हम सब भी उसी खिड़की से देखते हैं, पर हम उसके परे भी कुछ देख सकते हैं, ठीक है ये सब ज़रूरी है, ये सब करना है, पर उसके परे और क्या है, ये सब होने के बाद में जीवन में क्या करना है मुझे, तो क्या है, हम जीवन का जो बड़ा दृष्टि है वह हम देख सकते हैं। कैसे है कि हम सब की, अगर मान लीजिए हमको किसी बहुत प्यास लगी है, हम कहीं बाहर से आ रहे हैं, अभी धूप है और हम घर में आते हैं और हमको बहुत प्यास लगी है, तो जब बहुत प्यास लगी होती है और घर में आके कोई हमारे पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, वो हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, वो क्या बात कर रहे हैं वो हम सुन भी नहीं पाएंगे, पहले मुझे पानी चाहिए, पानी दो तो पानी पियूंगा, और पानी पीने के बाद थोड़ी राहत मिल गई, हाँ अभी क्या बात करना है बात करो। कैसे होता है कि जब हमारी ज़रूरत बहुत, कोई ज़रूरत होती है बहुत हमको उतावला कर देती है, तो तभी हम दूसरा कुछ सोच ही नहीं पाते, बस उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, पर जैसे ही ज़रूरत पूरी हो जाती है, हाँ ठीक है अभी पानी मिल गया, अभी और क्या करना है अच्छी, तो वैसे ही जब हम मानव शरीर में आते हैं तो कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि कुछ इच्छाएं होती है, आहार निद्रा भय मैथुन से संबंधित, कि वो इतनी शक्तिशाली हो जाती है तभी हम कुछ और सोच नहीं पाते, पर जब वो पूरी हो जाती है तो तब हम वो छोटी सी खिड़की से देख रहे हैं, पर वो पूरा हो जाता है फिर अच्छा अभी ये बड़ी दुनिया है, यहाँ पर क्या है, क्या करना है मुझे,
तो ये जो है जो जिस तरह से रावण ने सीता को पकड़ लिया और लंका में बंद कर दिया, जो हमारा मन है वह हमें शारीरिक चेतना में बंद कर देता है। तो अभी सीता की ये दिव्यता थी कि ये भक्ति थी कि वो रावण से आकर्षित नहीं हुई। रावण की सुविधाएं जो रावण दे रहा था, सबसे पहले जब रावण जब पहले सीता से मिला तो उसने क्या किया, रावण को धर्म का कुछ ज़्यादा परवाह नहीं कर रहा था, तो उसने सोचा कि मैं सीता को मेरी ओर आकर्षित कर लूँगा। और क्या किया उसने, जब पहले ही सीता को मिला, जैसे कोई पुरुष किसी स्त्री को आकर्षित करना चाहता है तो सबसे पहले उसने सीता के सौंदर्य का गुणगान करने लग गया, बोले तुम इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो। अभी वो उस समय एक साधु के रूप में था वो, तो सीता आश्चर्य हो गई, साधु ऐसे क्यों बातें कर रहा है। और फिर जब रावण ने देखा कि इस सीता मेरे वचनों से कुछ आकर्षित नहीं हो रही है, मोहित नहीं हो रही है, तो फिर वह क्या, उसने अपना रूप बदल लिया। उसने कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं रावण हूँ, मैं लंका का पति हूँ और मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, इतना ऐश्वर्य है मेरे पास। तो कोई पुरुष स्त्री को आकर्षित करना होता है तो शायद वो पहले स्त्री का सौंदर्य के बारे में बोलेगा, फिर उसके बाद में खुद के ऐश्वर्य के बारे में बोलेगा कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तुमको ये दे सकता हूँ। और फिर अगर वो उसको आकर्षित करना है तो अगर वो उसका किसी और से संबंध है तो क्या करेगा, उसका निंदा करेगा। तो फिर उसके बाद में राम की निंदा करने लगता है। वो कहता है कि राम तुम्हें क्या दे सकता है, ये राम तुम्हें, तुम तो राजकुमारी थी पर राम के कारण तुम जंगल में आके रहने लगी होगी, तुम्हें राम कुछ भी दे सकता है, मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा। तो जो इस तरह से वो सीता को प्रलोभित करने का प्रयास कर रहा है। तो हमारा मन भी हमें यही करता है। मन क्या करता है, सबसे पहले कहता है आओ, सबसे पहले कहता है तुम इतना, तुम भोग ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये भोग कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, और तुम्हें जो भी चाहिए मैं दूंगा, तुम बस मेरी बात मान लो, मैं तुमको इतना सारा सुख दे दूंगा। और फिर क्या करता है मन, कहता है भगवान, भगवान के पास क्या जाना है, भगवान तुम्हें क्या दिया है तुमने अब तक भगवान ने। तो इस तरह से वो सीता को प्रलोभित करने का प्रयास किया। और मन भी वैसे ही करता है। अगर हम मन की बात सुनते रहेंगे तो क्या होता है, भगवान की भक्ति की क्या जरूरत है, भगवान की ही क्या जरूरत है, मैं खुश हूँ और मैं मेरी योजना बनाऊंगा, इदम अध्यमया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम मनोरथम। मन कहता है कि तुम मेरे रथ पे बैठ जाओ और मैं तुमको ले जाऊंगा, और कहाँ लेके जाऊंगा, धन के मार्ग में लेके जाऊंगा, ऐश्वर्य के मार्ग में ले जाऊंगा, मैं तुम्हें सुख प्रदाय पद दे दूंगा। इस तरह से मनोरथम, मन के पीछे हम जाने लगते हैं। अभी सीता जो थी वो रावण के वचनों से बिल्कुल आकर्षित नहीं हुई, और फिर रावण ने तभी देखा कि सीता मुझसे आकर्षित नहीं हो रही है, तो उसने रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। और जब ये अपहरण कर लिया तो वो रावण का इतना अहंकार था, वो सोचा था मैं इतना धनवान हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, कोई स्त्री मुझसे आकर्षित कैसे नहीं हो सकती, जरूर होनी चाहिए। तो उसने क्या किया, जैसे ही वो लंका चला गया सबसे पहले उसने सीता को अपना महल दिखाया। उसका बड़ा महल था, सारे महल का उसको टूर दिया उसने, देखो मेरे पास ये हीरा है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये पुष्पक विमान है जिसमें हम कहीं भी उड़ते हुए जा सकते हैं, ये है वो है। अभी वो अपने सारे ऐश्वर्य का वर्णन कर रहा था और सीता उसके ओर कुछ ध्यान ही नहीं दे रही थी, क्योंकि सीता का जो हृदय था वो भगवान राम में था। और वो सोच रही थी कि मैं भी दुखी थी कि राम से विरह हो गया है, और वो आकांक्षा कर रही थी कि भी राम के पास वापस चली जाऊंगी मैं। पर उसके बाद में क्या हुआ, उसने सीता को, जब सीता बिल्कुल प्रलोभित नहीं हुई तो उसने सीता को रावण लंका में बंद कर दिया। जब इस तरह से लंका में बंद कर दिया तो क्या किया उसने, वो तो वास्तव में सीता को अपनी रानी बना जाता, प्रधान रानी बना जाता था, पर सीता बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो उसने उसे अपने महल में रहने की जगह दी, सीता बोली कि मैं महल में नहीं रहूँगी, मेरे प्रभु जो है जब तक वो वनवास में रहने वाले हैं, जो उनको वनवास की सजा मिली है का, जो उनको शर्त था वनवास में रहने का,
जब तक वे वनवास में हैं मैं भी वनवास में ही रहूँगा। तो फिर रावण ने उनको अपने ही महल के बाजू में, रावण का बगीचा था एक, क्या नाम था इसका, किसको पता है? हाँ, अशोक वाटिका, अशोक वाटिका था। बाद में जब हनुमान जी वहाँ पे आ गए उन्होंने उसको शोक वाटिका बना दिया उसको सारा भी उद्ध्वस्त कर दिया। तो अभी जो है कि वहाँ पे उनको रख दिया। सीता का भाव ये था कि मैं रावण के साथ, रावण ने दिया हुआ किसी भी चीज़ का मैं भोग नहीं करूँगी। तो जो शरीर की ज़रूरत के लिए जो खाना देते वो कुछ रावण के कोई राक्षसी सेवक सेविकाएँ थे वो देते थे, वो उसको पहरा देते करते थे और वो लेते थे। पर बिल्कुल रावण ने जो भी भोग प्रदान किया उसकी ओर सीता ने देखा भी नहीं। तो जो आत्मा है वह सीता के समान है। और जब अभी आत्मा शरीर में फंस जाता है, अभी हम सब शरीर में फंसे हुए हैं, हमें कभी लगता नहीं कि हम शरीर में फंसे हुए हैं क्योंकि हम शरीर से ही पहचान लेते हैं खुद को। तो मैं शरीर ही हूँ सोचते हैं, तो शरीर में फंसने की बात क्या है, मैं शरीर ही हूँ। एक मित्र रशिया में प्रचार के लिए गए थे तो वो बोले थे कि उनका प्रसंग का अनुभव थे कि वो बोले थे कि मैं एक बार प्रवचन दे रहा था, कहता कि हम कि वो कहते कि आप तुम आप तुम्हारे शरीर नहीं हो। तो एक व्यक्ति ने हाथ ऊपर किया, ये सवाल है, क्या सवाल है, मैं मेरा शरीर नहीं हूँ तो मैं किसका शरीर हूँ मतलब क्या, मैं शरीर तो हूँ ही, अगर मैं मेरा शरीर नहीं हूँ तो किसी और का शरीर होना चाहिए किसका शरीर है तो ये शरीर के परे कुछ तत्व है यह समझना आसान नहीं है। हमको लगता है कि मैं शरीर ही हूँ, पर कभी कभी अगर हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता है, और अगर मान लीजिए हमको ऐसी बीमारी हो जाती है, हम बिस्तर पे लेटे हुए हैं, कुछ उठ भी नहीं पा रहे हैं, और मान लीजिए उसके पहले कहीं यात्रा जाने वाले थे, कहीं पिकनिक जाने वाले थे, और सारे हमारे रिश्तेदार मित्र वहाँ पर चले जाते हैं, और तभी हमारा शरीर निकम्मा होने कमज़ोर होने के कारण बीमार होने का जा नहीं पाते, तभी क्या होता है, तभी हमको लगता है ये शरीर मुझे इतना सीमित कर रहा है, जाने की इच्छा तो है मुझ में पर शरीर में क्षमता नहीं है। तो ऐसे समय में जब हम कुछ करना चाहते हैं पर जब हमारा शरीर साथ नहीं देता है तो हम समझ सकते हैं कि वास्तव में ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ और शरीर मुझे सीमित कर रहा है, शरीर मुझे बंधन में डाल रहा है। वास्तव में शरीर में जरूरी ज़रूरी है पर क्योंकि शरीर के बिना हम भौतिक जगत में कार्य नहीं कर सकते हैं, पर शरीर हमें सीमित करता है। और ये सीमा क्या है, न केवल हम इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते, हम हवा में उड़ना चाहे तो उड़ नहीं सकते हैं, हम मछली से तैरना चाहे तो तैर नहीं सकते हैं, पर उसके साथ साथ शरीर सबसे बड़ी सीमा डालता है वो क्या है, वह काल के आधार पर है। महाभारत में कहते हैं व्यासदेव युधिष्ठिर महाराज से कि कोई भी जीव मृत्यु के नियम को टाल नहीं सकता है। अभी सीमा होती है, सीमा ऐसे हो सकती है कि कुछ चाहती है, कोई कैद में है तो तुम इस इलाके से बाहर नहीं जा सकते, इसमें रहोगे, तो एक प्रकार की सीमा है। पर दूसरी प्रकार की सीमा हो सकती है, कोई आपको कोई हमें कहता है कि तुम इस बड़े आलीशान घर में रहो पर इस घर में तुम सिर्फ एक महीना रहोगे और उसके बाद में तुम बेघर हो जाओगे। तो कभी कभी कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा होता है तो सरकार की नौकरी होती है, कोई कॉलेज में हॉस्पिटल में नौकरी होती है, तो शायद उनको क्वार्टर्स मिलते हैं तो रहने की जगह मिलती है, तो बड़ा अच्छा घर भी हो वो, पर क्या है, वो घर सीमित काल के लिए, और उसके बाद में जब वो रिटायर हो जाएंगे तो कोई उनको वहाँ पर रहने नहीं देने वाला है, चुपचाप निकलने पड़े। उसी तरह से हम जो शरीर में है, हमारा शरीर का अस्तित्व जो है सीमित है। जब तक हम शरीर से ही भोग करने के पीछे लगे रहते हैं तो हम सीमित हैं, कभी कभी हम समझ में भी नहीं आएगा पर वास्तव में हमारा अस्तित्व सीमित है। और जब इस तरह से रह रहे थे वो, जब सीता रह रही थी लंका में, तो सीता को पता था, क्योंकि सीता की इच्छा थी राम के साथ रहने की और ज़बरदस्ती राम से दूर उन्हें रावण लेके आया था, तो क्योंकि राम की स्मृति थी इसीलिए सीता को हर पल लग रहा था कि मैं इस बंधन में फंसी हूँ, कब निकलूँगी मैं यहाँ से। तो जब तक हम भगवान की स्मृति नहीं करते हैं, भगवान की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती है,
तो कई बार ये शरीर ये बंधन है ये समझ में नहीं आता है। वास्तव में भौतिकवादियों को भी व्यक्तियों को भी कभी कभी समझ में आ जाता है कि हम भोग भी कर, अगर हम भौतिक भोग भी करना चाहते हैं तो उसमें भी शरीर सीमा कर देता है। शरीर हमें हम शारीरिक भोग भी मर्यादित पद्धति से कर सकते हैं। इजिप्ट में बड़े बड़े पिरामिड्स होते हैं, बड़े बड़े यहाँ के जो राजा हुआ करते फारोस उनको वहाँ पे उनके मम्मी बना के वहाँ पे रखा जाता है। तो वहाँ पे एक पिरामिड में लिखा हुआ है कि क्या है कि उस समय जो फारोस हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, वो एपिक्यूरियन थे। एपिक्यूरियन मतलब बहुत भौतिक भोग करना चाहते थे, तो जितना खाना चाहते थे खाते थे। तो अभी क्या है, पेट की क्षमता खाने की तो सीमित है। तो फिर उन्होंने क्या योजना बनाई कि उन्होंने अपने जो उस समय के डॉक्टर थे 4-5 हज़ार साल पहले के, उनको बताया कि आप ऐसी कुछ दवाई बनाओ जिससे बिना किसी दर्द के व्यक्ति उल्टी कर सके। और वो क्या करते थे, पूरी मेजबानी पेट भर के खा लेते थे, और खाने के बाद क्या वो एक दवाई लेते थे और जो भी खाया है वो उल्टी कर दो और पुनः खाओ, पुनः उल्टी कर दो पुनः खाओ। इस तरह से वो खा के भोग करने का प्रयास करते थे। पर वास्तव में क्या हुआ, ये सिर्फ खाना मतलब पेट के पेट कितना खाली है, पेट कितना भरा है, उतनी बात नहीं है। जब हम खाना खाते हैं तो सारे शरीर को मेहनत करनी पड़ती है अन्न पचाने के लिए। तो अगर व्यक्ति बार 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 खाते रहता है तो फिर वो शरीर थक जाता है। तो वो जो फारो थे वो नौजवान अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद में किसी ने वो एक्सपेरिमेंट वापस नहीं किया है कि जानबूझ के ज़बरदस्ती ज़्यादा खा लो। क्या है, शारीरिक स्तर पे भी हमारी जो इच्छाओं होती है, इच्छाओं की जितना हम आनंद प्राप्त करना चाहें उतना हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम देख सकते हैं इस तरह से कि वास्तव में शरीर हमें सीमित करता है। शरीर जब सीमित करता है तो इस सीमा से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। जब हम वो सीमा को देखते हैं, जब मर्यादा को देखते हैं, बंधन को देखते हैं, इच्छा जागरूक होती है कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ, मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ। तो अभी सीता को तो पहले से जानकारी थी कि मैं इस बंधन में हूँ, पर हम सब ऐसी परिस्थिति में हैं कि हम ये समझते नहीं हैं कई बार। पर हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई प्रसंग आ जाता है जब उसके मन में सवाल आता है कि क्या जीवन में इसके परे कुछ और है, क्या जीवन बस इस तरह से शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने में, शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में, शारीरिक भोग पाक करने में इतना ही है, या इसके परे और कुछ भी है। चिंताम परिमेयां च प्रलयांताम उपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावद् इति निश्चितः। भगवान कहते हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, 16वें अध्याय के 11वें श्लोक में कह रहे हो कि वो सोचते हैं कि शरीर के स्तर पर भोग करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। एतावत इति निश्चित, निश्चय कर लिया है कि इसके अलावा जीवन का कोई और उद्देश्य है ही नहीं। और जब ऐसा भाव होता है तो फिर वो व्यक्ति जो भी सुनता है, जो भी देखता है, उसका अपने इच्छा के अनुसार ही वो उसका अर्थ निकाल लेता है। अभी जो आध्यात्मिक वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि अभी आप जवान हो, फिर भी क्या है, जवानी कुछ समय के लिए है, जवानी के जोश में मत चले जाओ, तुम अभी भी गंभीरता से भक्ति चालू कर दो। भौतिकवादी लोग भी वही बात लेते हैं कि आप जवान हो, जवानी कुछ समय के लिए रहती है, जब तक जवानी तब तक भोग कर लो, बाद में भोग करने को नहीं मिलेगा। तो क्या है, जो वो जो तत्व है, सत्य है, वो एक ही है, पर उसे निष्कर्ष व्यक्ति बिल्कुल अलग अलग निकाल सकता है। तो जो दैवी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो देखते हैं कि वास्तव में हाँ ठीक है, ये अभी जवानी है, अभी शरीर तंदुरुस्त है, पर उसके बाद में भविष्य में क्या है। पर जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो क्या देखते हैं, ठीक है अभी जो भोग करना है जितना भोग कर सकता है उतना भोग कर, बाद में का कुछ परवाह ही मत कर। पर वास्तव में बुद्धि का मतलब है कि हम भविष्य में क्या होने वाला है वो देख पाना। बुद्धि की अलग अलग परिभाषा है, पर एक परिभाषा है कि भविष्य में क्या होगा वो देख पाना। तो अभी जब सीता को जब पकड़ा होता है रावण ने, तो रावण क्या करता है, सीता को अपनी ओर मनाने का प्रयास कर रहा होता है हमेशा।
तो उसमें क्या करता है वो कि इसको इंग्लिश में कहते हैं गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रैटेजी, कि अच्छा पुलिस वाला बुरा पुलिस वाला. मतलब क्या है कि अगर कोई गुनहगार को पकड़ लिया है और उसको कुछ जानकारी पर जानकारी दे नहीं रहा है, तो एक तो है कि वो कोई पुलिस हो गए वो गुनहगार को पीटेंगे बोलो. तो अभी कुछ गुनहगार होते हैं पीटेंगे तो क्या होता है वो पिटाई करते रहते हैं पर कुछ बोलते ही नहीं है. तो ऐसे मनोविज्ञान के द्वारा मनोवैज्ञानिक ने संशोधन किया है कि क्या होता है कई बार ऐसे गुनहगारों से कुछ बुलवाना है तो दो पुलिस वाले साथ में आ जाते हैं, पर वो दोनों साथ में नहीं रहते हैं. एक पुलिस वाला क्या करता है वो बैड कॉप बन जाता है, बुरा पुलिस वाला बनता है और इसको धमकाता है, इसको पीटता है, उसको बहुत दर्द पहुँचाता है. बोलो कहाँ पैसा छुपा के रखा है, बोलो तुम्हारे साथ कौन कौन काम कर रहे हैं. और फिर वो बहुत पिटाई करके धमकी देके चला जाता है. फिर दूसरा पुलिस वाला जाता है और दूसरा पुलिस वाला क्या करता है वो गुड कॉप बन जाता, अच्छा पुलिस वाला बन जाता है. अरे अरे ये तुमको क्या हो गया, किसने तुमको इतना पीटा, अरे बड़े जालिमता से पीटा है तुमने. मुझे पता होता तो मैं ज़रूर ये रोक देता था. क्या है कि वो जो पुलिस वाला है वो बहुत खतरनाक है. मैं समझाने का प्रयास करूँगा उसे, पर तुम्हें भी मदद करनी चाहिए. मैं तुम्हारा संरक्षण करूँगा, मैं तुम्हारी मरम पट्टी करने का योजना करूँगा, पर उसको शांत करने के लिए तुम थोड़ी मदद कर दो, तुम कुछ जानकारी दे दो. तो क्या होता है दोनों का उद्देश्य है वो चोर से जानकारी लेना, पर वो दोनों साथ में काम करते हैं तो क्या होता है वो जो चोर होता है उसके मन पे उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है. तो जो कभी ये बोलते नहीं है मैं मुझे कभी बताऊँगा, तो फिर वो बुरा पुलिस वाला आता है उसको पीटता है, बाद में वापस अच्छा पुलिस वाला आता है और उसको फिर थोड़ा मरम पट्टी करता है, थोड़ी उसको सांत्वना देता है, थोड़ा आगे कुछ बताओ मुझे. तो ऐसे करने से क्या है वो धीरे 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 कमज़ोर हो जाता है वो जो गुनहगार है और वो जो जो जानकारी दे देता है. क्या होता है कि हमेशा अगर हम हताश हो जाते हैं तो वो हताशता के साथ हम जीवन जीने लगते हैं. कई व्यक्ति जन्म से ही अंधा हो गया है और वो डॉक्टर ने कहा है कि आपको कुछ रोज देखने की क्षमता ही नहीं है, तो वो व्यक्ति स्वीकार कर लेगा मुझे अब मुझे ऐसे ही जीना है. पर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो अंधा है पर उसको कोई दवाई मिल देती है, थोड़ा सा कुछ दिखता है, कुछ दिनों के लिए दिखता चला जाता है, कुछ डॉक्टर सर्जरी होती है कुछ दिखता है वापस चले जाता है, तो हर बार जब कुछ दिखता है तो आशा बढ़ जाती है और फिर वापस दूसरी चले जाते हैं तो आशा चली जाती है. तो क्या होता है ऐसा अगर होता है तो व्यक्ति का मन और विचलित हो जाता है, पर अगर दिख ही नहीं रहा है तो मन शांत असंतुष्टि रहता है पर वो स्वीकार कर लेता है. क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते. तो इसलिए क्या है कि अगर सिर्फ कोई उसको पीटते रहता है धमकाते रहता है तो शायद वो उसको सहन करके चुप बैठ जाएगा, पर कोई उसे आशा देता है फिर दूसरा पीटता है फिर वापस आशा देता है तो उससे वो कमज़ोर हो जाता है. तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि रावण ने ऐसा ही किया सीता के साथ, सीता को भी कमज़ोर करना था उसको. तो उसके जो राक्षसियाँ थी तो उसमें से कुछ राक्षसियाँ थी वो बड़ी दिखने में भी खौफनाक थी, इधर उधर से मुँह से दांत बड़े आ रहे थे, सींग थे, विकृत थे, और वो आके सीता को धमकाते थे. रावण खुद भी आके सीता को धमकाता था, पर रावण के लिए वो इज्जत का भी सवाल था. एक स्त्री मेरी बात को नहीं मान रही, मुझे स्वीकार नहीं कर रही है वो, तो फिर वो उसको बाकी अपने ये राक्षसियाओं को बोलता था तो वो धमकाते थे, सीता को डराने का प्रयास करते थे. और फिर बाद में उसने क्या किया, विभीषण की जो पत्नी थी उसको वहाँ पे भेज दिया, कहा तुम उसकी दोस्ती करो. और उसकी इच्छा थी कि क्या कि विभीषण की पत्नी उसको बोले कि तुम यह रावण की बात मान जाओ कि रावण के हाथ से तुम छूटने तो वाली नहीं हो, तुम कब तक इस तरह से खुद को दुखी रहोगे होगी. पर क्या हुआ है वहाँ पे विभीषण भक्त थे, उनकी जो पत्नी थी वो भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, और यह एक तरह से प्रलोभन दे रहा था, रावण खुद ही प्रलोभन दे रहा था, कहता था कि तुम आ जाओ मेरे साथ मैं तुमको इतना भोग दूंगा, मैं तुमको मेरी प्रधान रानी बना दूंगा, मेरे सारी रानियाँ तुम्हारी सेवक बन जाएगी, सेविकाएँ बन जाएगी. तो वो प्रलोभन दे रहा था, वो क्या है वो अच्छे पुलिस वाले के समान है, और जो धमकियाँ दे रहा था वो बुरे पुलिस वाले के समान है. पर इसी बीच इसका भी कुछ प्रभाव नहीं हुआ,
तो वास्तव में क्या है, हमारा मन भी ऐसे ही करता है। हमें जब हम कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, कुछ दृढ़ संकल्प करते हैं, अभी नया साल होता है तो नए साल के समय कुछ लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं कि मैं ऐसे करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा, तो क्या होता है, मन कभी हमको बोलता है, अरे धमकाता है, ये क्या है, कैसे कर पाओगे, सोच रहे हो कि जिंदगी भर ऐसे करोगे, नामुमकिन है, ये कर ही नहीं सकते तुम, ये वैसे कहा जाते हमको हतोत्साहित कर देता है। और फिर दूसरी ओर क्या है, मन प्रलोभित करता है, अरे तुम ये करो तुमको इतना सुख मिलेगा, अरे तुम इतनी तपस्या कर रहे हो, क्यों तपस्या करते हो इतनी, थोड़ा सा भोग कर लो, किसको पता चलेगा, भोग कर लो, आराम से भोग कर लो। तो फिर क्या होता है, इस तरह से जो मन जब हमें प्रलोभित करता है, धमकाता है, तो धीरे 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 हम कमज़ोर होने लगते हैं। पर वहाँ पर भी सीता बिल्कुल कमज़ोर नहीं होती है, अब भगवान की भक्ति में बनी रहती है वो। और फिर जब रावण देखता है कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर जब हनुमान आता है, हनुमान लंका को जला के चला जाता है, उससे सीता का उत्साह और बढ़ जाता है। कि हनुमान क्या करता है, हनुमान जो है सीता को संदेश देता है कि ऋषि राम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो आपके विरह में बहुत दुखी है, और जैसे ही आप उनको जानकारी मिल जाएगी आप कहाँ, तुरंत वो आपको लेने के लिए आ जाएंगे। तो उससे क्या होता है, जो सीता का उत्साह बढ़ जाता है, सीता का आनंद हो जाती है कि ऋषि रामचंद्र आने वाले। तो हनुमान जी जो है वो हमारे गुरु के समान है, गुरुवर्य के समान है, भक्तों के समान है, वो हमारे पास आते हैं। हम शारीरिक चेतना में ही हैं, भगवान आध्यात्मिक चेतना में, आध्यात्मिक स्तर पे हैं, पर जो वरिष्ठ जो भक्त होते हैं, जो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु सब होते हैं, वो क्या है, हमारे सामने आते हैं और हमें भगवान का ज्ञान दिलाते हैं, हमें याद दिलाते हैं। सीता तो वो रामचंद्र को कभी भूली नहीं थी, पर हम भगवान को भूल गए होते, तो वो हमें भगवान का याद दिलाते हैं और बताते हैं कि भगवान हम सबसे प्रेम करते हैं और भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास वापस चले जाएं। और जब मान लीजिए अगर हनुमान जी आते थे लंका, और वहाँ पे लंका में देखते थे सीता अशोक वाटिका में नहीं रह रही है, सीता रावण के साथ रह रही है और राम को भूल गई है, तो फिर हनुमान जी जाके राम को वो संदेश देते, तो क्या राम फिर भी उतने ही उत्साही होते सीता को लेके जाने के लिए। तो क्या है कि जब हम जब भौतिक जगत में होते हैं, तो जो भक्त आते हैं, गुरु आते हैं, हमारे गुरु वर्ग और हमें जानकारी देते हैं, जितना हमारा उत्साह है भगवान के पास जाने का, उतना भगवान हमारे पास आते हैं। यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जिस तरह से हम भगवान के शरण में जाते हैं, उतने ही उत्साह से भगवान हमारे पास आते हैं। तो अभी जब युद्ध चालू हो जाता है, तभी क्या होता है, एक एक करके जो रावण की योद्धा है उनका वध होने लगता है, एक एक करके वो सब जब गिर जाते हैं, तो रावण चिंता में पड़ जाता है, क्रोध में आ जाता है और सोचता है क्या करे, तो ये सारा युद्ध किया है मैंने सीता के लिए ही किया है, तो वो सोचता है कि अगर मैं किसी तरह सीता को प्राप्त कर लूँगा तो फिर क्या होगा, तो मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, और फिर उससे जो राम का जो इच्छा है सीता को प्राप्त करने, जिसके लिए युद्ध कर रहा है राम, वह भी टूट जाएगा। इसलिए क्या करता है, कभी वो जैसे राक्षस होते हैं, राक्षस के पास अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, तो जैसे मरीच होता है, मरीच के पास क्या शक्ति होती है, क्या शक्ति होती है, हाँ सब राक्षस होते हैं वो अलग अलग रूप ले सकते हैं, रावण भी साधु का रूप लेता है, पर मरीच जो होता है उसके बहुत विशेष शक्ति होती है कि इस तरह से रूप को परिवर्तित करे कि वो अलग ही योनि का रूप ले ले। ये रावण के पास भी रूप परिवर्तित करने की शक्ति होती है, पर रावण का शरीर जो होता है मानव जैसे होता है, राक्षस का बुद्धि होती है पर मानव जैसे जो होता है, तो वो वहाँ से एक साधु का रूप धारण कर लेता है। शूर्पणखा भी एक स्त्री होती है, राक्षसी होती है, पर एक मानवीय माने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है। पर यहाँ पर मरीच जो होता है वह दूसरे जानवरों का रूप भी दे सकता है, तो वो किसका रूप लेता है फिर, तभी हिरण का।
तो उसी तरह से अभी विद्युज्जय नाम का एक राक्षस होता है, और ये विद्युज्जय क्या होता है कि सब राक्षसों के पास कुछ माया शक्ति होती है, पर इसके पास विशेष माया शक्ति होती है। तो रावण उसको बुलाता है और बोलता है कि मुझे सीता का जो दृढ़ संकल्प है वो तोड़ना है, तो तुम कुछ माया का कार्य कर दो। तो फिर वो क्या करता है विद्युज्जय, वह अपनी माया शक्ति से एक सिर बनाता है, और वो बिल्कुल सिर ऐसे होता है जैसे राम का सिर, और फिर वो ऐसा धनुष बनाता है जो भी बिल्कुल राम के धनुष के समान, और फिर वो दोनों रावण को प्रसन्न कर देता है। और जब रावण को प्रसन्न कर देता है, रावण बड़ा प्रसन्न हो जाता है, और फिर वो चलते हुए बड़े आशान से, गर्व से, अहंकार से, क्रोध से सीता के अशोक वाटिका में चला, सीता जहाँ पे अशोक वाटिका में वहाँ चला जाता है, और वहाँ पे जाकर फिर सीता से कहता है, देखो तुम जिस राम के लिए एक मुझे ना कह रही थी, जिस राम पे तुम्हें इतना विश्वास था, उस राम का मैंने वध कर दिया है। सीता सुनती है तो भयभीत हो जाती, क्या हो गया है? पर फिर सीता का विश्वास होता है कि राम का कभी वध हो ही सकता है, राम के शक्ति में उनको पूरा सामर्थ्य आविश्वास होता है राम के सामर्थ्य में। तो फिर वो पुनः रावण की ओर ध्यान नहीं देते हैं। पर जब रावण देखता है तो रावण को बड़े ही क्रोध से कुछ चीज फेंकता है सीता की ओर, और सीता के सामने आके गिरता है। वो देखती है क्या है, वो राम का सिर है। और जब वो देखती है उसको सदमा पहुंच रहा है, क्या हो गया? और वो देखती है बिल्कुल राम जैसे राम का सिर था वैसे ही सिर है। तो वो देख के रोने लगती है, मूर्छित होने जैसे लगती है, और वो कहती है कि ये कैसे अनर्थ हो गया, ये कैसे संभव है कि आपने तो बड़े बड़े असुरों का वध कर दिया है राम, और ये आपका कैसे वध हो सकता है? तो रावण ने कहानी बनाई होती है, कहता है कि दिन भर युद्ध करने के बाद जब सारे वानर थके सोए हुए होते हैं, तब मेरे राक्षस उन वानरों पे टूट पड़े और सब वानरों का वध कर दिया और राम का भी वध कर दिया। क्योंकि रावण भी जानता है कि अगर वो कहेगा कि मैं राम के सामने जाके उसे युद्ध किया और राम का वध कर दिया तो वो कोई कर नहीं सकता है, तो ये सीता भी उसको मानेगी नहीं। तो इसलिए क्या कहता है, वो जब सो रहे थे तब मेरे सैनिकों ने सारे सेना को तबाह कर दिया। जब सीता ये सुनती है तो अभी वो भयभीत हो जाती है, उदास हो जाती है, हताश हो जाती है, टूट जाती है, कहती है ये कैसा अनर्थ हो गया, मेरा जब विवाह हुआ था तभी ज्योतिष ने बताया था कि मैं सदा सौभाग्यवती रहूँगी, कि ये कैसे उनकी भविष्यवाणी गलत हो सकती है। और वो फूट फूट के रोने लगती है। अभी रावण जो होता है वो बड़ा एक तरह स्वार्थी होता है, तो उसकी अपेक्षा होती है कि अभी राम की मृत्यु हो गई तो सीता मेरे पास में आ जाएगी। पर सीता का राम के प्रति इतना प्रेम होता है कि जब राम का वध हो गया सुन लेती है तो फूट फूट के रोने लगती है, और रावण की ओर देखती भी नहीं। और फिर वो जब देखती है कि वहाँ पे सब लोग देख रहे, तो रावण से कहती है कि तुम जिस चिता में राम के शरीर को जलाओगे उस चिता में मुझे जगह मैं भी जल जाऊँगा। तो रावण ये तो मेरी योजना ही थी मेरी, रावण इतने सारे समय में उसका शरीर काम की अग्नि में जल रहा होता है, तो ये देखता है वो योजना तो एक की होती पर कुछ अलग ही हो रहा है। तभी तो क्या करे क्या ना करे वो सोच रहा होता है, और तभी अचानक क्या होता है, तभी कोई राक्षस सैनिक उसको दौड़ते हुए आता है। क्या होता है, क्या बात है, सुनता है फिर तुरंत वो मुड़ता चला जाता है। तो क्या हुआ होता है कि उस समय में, ये अलग अलग प्रसंग है रामायण में, पर उस समय क्या होता है, इंद्रजीत ने सारे अपने शस्त्र इस्तेमाल करके सारे वानरों को, अनेक वानरों को बेहोश कर दिया होता है, और राम और सीता को, राम और लक्ष्मण को भी बेहोश कर दिया होता है। पर क्या होता है, तो इंद्रजीत तो सोचता है कि अभी हम सब जीत गए हैं, कि इनकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु नहीं होती है तो बेहोश हो गए होते हैं। और हनुमान जी संजीवनी लेके आ जाते हैं, तो संजीवनी लेके आते हैं तो इसके बारे में रावण को कुछ पता ही नहीं है, रावण सोचा कि मेरा शत्रु ऑलरेडी मर चुका है,
पर अचानक क्या होता है, जो वानर होते हैं सोचते हैं कि अच्छा मौका है, ये सारे जो राक्षस है वो चौकन्ने नहीं है, तो उस समय वो एकाएक हमला बोल देते हैं और जो रावण की लंका की जो दीवार है उसके ऊपर से कूद के लंका में प्रवेश कर लेते हैं और सारे तहस नहस करने लगते हैं। और यह सब कब होता है, जब यहाँ पे सीता को वो रावण प्रलोभित करने का प्रयास कर रहा है, धमकाने का, उसने राम को राम का कटा हुआ सिर दिखा दिया है उसको। तो जो जो सैनिक आता है बताता है कि ये जो वानर है लंका में घुस गए, लंका में तहस नहस कर रहे हैं, लंका में कैसे आ गए। तुरंत वहाँ से मुड़ के रावण चला जाता है और फिर वो युद्ध की योजना करने लगता है। और यहाँ पे सीता फूट 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 के रो रही होती है। जब रो रही होती है तो वापस वहाँ पे विभीषण की पत्नी आ जाती है माँ, और वो कहती है कि हे सीता तुम दुख मत करो, तुम विलाप मत करो, राम अभी तक बिल्कुल अच्छे हैं, यह जो सिर था यह केवल एक मायावी सिर था, और राम और वानरों ने अभी आक्रमण किया लंका पे और उसी कारण रावण यहाँ से चला गया है। तो पहले सीता सुनती है तो कुछ समझ में नहीं आता उसको क्या बोल रही है, पर पुनः जब वो दोहराती है सुनती सीता ध्यानपूर्वक, इतना दुख हुआ होता है कि वो सुन भी नहीं पा रही होती, पर जब वो सुनती है तो फिर ओ ऐसे राम अभी तक जीवंत, जैसे ही वो वचन उनके कानों से उनके हृदय तक पहुँचता है तो पुनः आनंदित हो जाती है, पुनः उत्साहित हो जाती है, मान लीजिए उनको पुनः ऐसा जीवन प्राप्त। तो इस तरह से जब रावण धूर्तता से भी सीता को फंसाने का प्रयास करते हैं पर सीता फंसती नहीं है, तो उस तरह से जो है हमारा मन है वह भी हमें कभी कभी फंसाने का प्रयास करता है। मन अलग अलग प्रकार के मोह निर्माण कर देता है, मोह निर्माण करता है। कुछ नास्तिक वाले लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं, कुछ एक नास्तिक वाली था वो क्या कि गॉड इज डेड, मतलब भगवान मर चुके हैं, तो उसने तो 150 साल पहले कह के चला गया भगवान मर गए, पर वो कहने के बाद 15-20 साल के बाद वो मर गया। भगवान तो अभी तक है ही है। मैं ऑस्ट्रेलिया में था वहाँ पे 4-5 महीने पहले वहाँ पे, तो वहाँ पे कॉलेज में एक डिस्कशन था, तो डिस्कशन था वो विषय क्या था, व्हाई इज गॉड स्टिल अलाइव, अभी तक भगवान जिंदा कैसा है, कैसे है, इसका मतलब क्या है। वास्तव में वो विषय क्या था कि लगभग पिछले 100-150 साल से वो जो सोशियोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है या बड़े बड़े विद्वान है, वो कहते हैं कि ये धर्म ये तो केवल जो वैज्ञानिक विज्ञान के युग के पहले जो अंधश्रद्धा करने वाले लोग थे वही भगवान को माना करते थे, वैसे विज्ञान बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये अंधश्रद्धा कम हो जाएगी और फिर सारे लोग नास्तिक बन जाएंगे, और जब लोग नास्तिक बन जाएंगे तो भगवान में कोई नहीं मानेगा तो भगवान भी मर जाएगी, तो ऐसी उनकी भविष्यवाणी थी। पर ये भविष्यवाणी पूरी होने के बजाय उल्टा ही हो रहा है कि सारे दुनिया भर में एक भौतिकवाद है, उसके साथ धर्म भी बढ़ रहा है। अमेरिका को हम कई बार भौतिकवादी राष्ट्र कहते हैं पर वास्तव में अमेरिका में भी बहुत लोग धार्मिक हैं, वहाँ पर क्रिश्चियन धर्म है तो बहुत लोग धार्मिक हैं, मिडिल ईस्ट में भी धार्मिक है, रशिया में तो जैसे कम्युनिज्म गिर गया उसके बाद में धर्म इतना बढ़ गया है, हरे कृष्ण आंदोलन बहुत बढ़ गया है वहाँ पे, जब हमारा अंतर्राष्ट्रीय उत्सव होता है मायापुर में गौर पूर्णिमा के समय, तो वहाँ पे 3 डिवीज़न बनाते यात्रा के लिए कि भारतीय भक्त, अंतर्राष्ट्रीय भक्त और रशियन भक्त। रशिया में इतने सारे भक्त हैं, चाइना में भी कम्युनिज्म है पर कम्युनिज्म के होते हुए भी बहुत से लोग धार्मिक बन रहे हैं। तो अभी क्यों है, तो जो भौतिकवादी नास्तिकवादी लोग थे बोल रहे कि विज्ञान बढ़ जाएगा तो नास्तिकवाद बढ़ जाएगा, धर्म चला जाएगा, पर वैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि विज्ञान क्या है, विज्ञान केवल हमें हमारी शारीरिक ज़रूरतों को शायद और आसानी से पूरा करने में मदद कर सकता है। हमको पानी चाहिए पीने को, शायद पहले हमको नदी के पास जाकर पानी लेना पड़ रहा था, पर विज्ञान के द्वारा एक पंप से हमारे घर के अंदर ही पानी आ सकता है। पर विज्ञान हमें जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में हमें करना क्या है वो नहीं बताता है। विज्ञान क्या करेगा, हमको और तेज़ गाड़ी कैसे चला सकते हैं वह सिखाएगा, और तेज़ चलने वाली गाड़ी सिखाएगा, गाड़ी पर देगा, पर वो गाड़ी कहाँ ले जानी है वो विज्ञान नहीं बताता है, वो नहीं बताता है। जो
आइंस्टाइन कह रहे हैं, आइंस्टाइन पिछले शताब्दी के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, वो कहते हैं कि जो हमारे पाश्चात्य संस्कृति है वो क्या है, एक बड़े जहाज के समान है, और इस जहाज में जैसे कोई क्रूज होती है उसमें अनेक सुविधाएं हैं, वहाँ पे स्विमिंग पूल होता है, वहाँ पे मूवी थिएटर होता है, वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए जगह होती है, बहुत कुछ भोग करने के लिए है, बड़े आराम का जहाज़ है ये। पर ये जहाज़ में कोई कंपास नहीं है, जहाज़ में दिशा दिखाने वाला कोई वस्तु ही नहीं है, और ये जहाज़ को कहाँ जाना है ये किसी को पता नहीं है। तो बहुत अच्छा जहाज़ तो बन गया है, पर जहाज़ में कहाँ जाना है किसी को पता नहीं है। तो क्या है कि जीवन में अंत में हमें क्या करना है यह उद्देश्य पता नहीं है। तो भले ही मोह के द्वारा, नास्तिकवादी लोगों के द्वारा ऐसा 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 माहौल के जाके भगवान मर गए, पर क्या जैसे सीता ने वो स्वीकार नहीं किया, वैसे मानवीय हृदय स्वीकार नहीं करता है। हमारा जो हृदय है वो कुछ और चाहता है कि ठीक है मुझे जीवन की ज़रूरतें पूरी करनी है, पर उसके बाद में और क्या है जीवन में। तो शास्त्र बताते हैं कि भगवत प्राप्ति, भगवान की भक्ति करना, भगवान से आध्यात्मिक स्तर पे भक्ति प्रेम की जागृति करना और उनके धाम में जाना, यह जीवन का अंतिम उद्देश्य है। और जब सीता रावण के सारे मोहों से प्रलोभित हुए बिना बिल्कुल राम के भक्ति में बनी रही, तो फिर अंत में क्या हुआ, श्री रामचंद्र ने आके सीता का दुख छुड़ाया और पुनः उनसे सीता और राम का मिलन हो गया। उस तरह से हमारा मन अलग अलग प्रकार से मोह निर्माण करेगा, पर अगर हम प्रामाणिकता से भक्ति करते रहेंगे, अगर हम कुछ भी हो जाए भक्ति में लगे रहेंगे, कभी कभी हमारा मन बोलेगा अच्छी है भक्ति, कभी बोलेगा अच्छी नहीं है भक्ति, फिर भी हमें भक्ति करते रहेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा उससे, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेंद्र तो माम इच्छा तुम धनंजय। भगवान कहते हैं कि अगर अब अभ्यास योग, आप साधना रूप से भक्ति करते रहते, जप करना है, कीर्तन करना है, भगवान की पूजा करनी है, सत्संग करना है, अगर हम करते रहेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, इससे भगवान के प्रति हमारा आकर्षण है बढ़ जाएगा, भगवान की इच्छा, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा और बढ़ जाएगी, और यह इच्छा जैसे बढ़ती जाती है उस हद तक हम और जो मन की जो बात है उसको ना बोलने में सक्षम हो जाते हैं, और हम सीधा भगवान की ओर अग्रसर होने लगते हैं। और फिर जैसे सीता को छुड़ाने के लिए श्री राम आ गए थे, वैसे ही भगवान आ जाएंगे हमको शरीर से मुक्त करके उनके भगवत धाम में जाने के लिए। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी चिरापार्थ मैयावेशित चेतसा। भगवान कहते हैं भगवद्गीता के 12वें अध्याय में छठे और 7वें श्लोक में कि जो तेषाम अहम समुद्धरता, उन सबका मैं उद्धार करूँगा, भवामी न चिरात पार्थ, देर से नहीं जल्दी है मैं उनका उद्धार कर लूँगा, किसका, मैयावेशित चेतसा, जो अपना मन मुझ में लगा लेंगे, जो अपना मन मुझ में लगा के मेरी भक्ति करते हैं उनका ज़रूर मैं उद्धार कर लूँगा। सीता का उद्धार जिस तरह से हुआ, वैसे भगवान हम सबका भी उद्धार ज़रूर कर लेंगे। तो सारांश में आज ने चर्चा की किस तरह से कि हमें मन से बच के भगवान की भक्ति करनी है। तो रामायण जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, पर केवल इतिहास ही नहीं है, वो इतिहास के साथ साथ जो शाश्वत कुछ शिक्षाएं हैं वह भी वहाँ पर बताई गई है। तो आचार्य बताते हैं कि जो रावण है वो हमारे मन के समान है, लंका शरीर के समान है, और सीता जो है वो आत्मा है जो मन के प्रभाव से शरीर के बंधन में फंस गई है। तो शरीर के बंधन में फंसना मतलब कि शरीर के ज़रूरतों को पूरा करना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य बना लेना। जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल तो चाहिए, पर गाड़ी में पेट्रोल ये ज़रूरत है, पर गाड़ी चलाने का ये उद्देश्य नहीं है। तो जानवर शरीर में जब आत्मा होता है तब उस समय आत्मा को शरीर की ज़रूरतें और इच्छाओं के परे और कुछ पता ही नहीं होता है। तो मान लीजिए कोई अंधेरी कोठरी में है और सिर्फ एक छोटी सी खिड़की है, उससे उसको दुनिया दिखती है। तो वैसे ही क्या होता है, हमारा जब
जानवर शरीर में आत्मा होता है तो उसको खाना, सोना, भोग करना और संरक्षण करना, इसके अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है, उतनी ही छोटे से खिड़की से सारी दुनिया दिखता है। पर जब हम मानव शरीर में आते हैं तो मान लीजिए ऐसी कोठड़ी, अंधेरी कोठड़ी है, पर ऊपर से कुछ कांच है और थोड़ी सी झलक मिलती है ऊपर बड़ी दुनिया की। तो मानव शरीर में होते हैं तभी भी हमको हमारी ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं, पर इस ज़रूरतों के परे और क्या है वह भी जानना चाहते हैं हम। जीवन में और उद्देश्य क्या है, जीवन क्या प्राप्त करना है। जो लोग शरीर की पूर्ति के लिए ही अपना जीवन डाल देते हैं कि शरीर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वो क्या होता है उसमें शरीर का ही विनाश कर देते हैं। जिसमें बताया कि जो लोग इजिप्ट के राजा लोग थे वो खाते थे और फिर उल्टी करके पुनः खाते थे, तो उससे क्या हो गया, उनकी जवानी में मृत्यु हो गई। उसे शरीर नहीं, शरीर जो है हम सबको सीमित करता है। हाँ, जब बीमार हो जाते हैं तो हम जो करना चाहते हैं कर नहीं पाते, तभी लगता है कि शरीर में बंधन मुझे सीमित कर रहा है। जब पर भौतिकवाद में जब चलते हैं तो हम भोग कर जितना भोग करना चाहते हैं शरीर कभी उतना भोग हमें करने नहीं देता है, तो वो भी एक प्रकार का बंधन है। और सबसे बड़ा बंधन ये है कि जो शरीर है हमारे लिए कुछ समय के लिए ये ही है हमारे पास, कुछ समय के लिए, मतलब जैसे कोई क्वार्टर्स में रह रहा है, सरकार ने दिया हुआ है, सरकार की नौकरी जाएगी वो क्वार्टर्स में जाएगी, वैसे हमारा शरीर है कुछ समय के लिए है, और उस समय हो जाने के बाद ज़बरदस्ती हमको शरीर से निकलना पड़ेगा। तो ये जो हम इस तरह से अगर समझते हैं कि वास्तव में शरीर में मैं सीमित हूँ, तो फिर ये सीमित जीवन से मैं बंद जीवन से कैसे बाहर निकल सकता हूँ समझ सकते हैं, इसके बारे में हम जांच कर सकते हैं। तो जैसे रावण ने सीता को कैसे फंसाने का प्रयास किया, पहले सीता के सौंदर्य का वर्णन किया, फिर खुद के ऐश्वर्य का वर्णन किया, और फिर राम की अवहेलना की। तो हमारा मन भी हमको फंसाता है किससे, अरे तुम बड़े भोगी हो, तुम बड़ा भोग कर सकते हो, तुम बड़ा आनंद कर सकते हो, तुम ईश्वर हो, तुम भोगी हो, और मैं तुम्हें जो भी भोग करना है, तुम्हें जो भी योजना बनानी है, वो सब मैं तुम्हें मदद करूँगा, खुद का गुणगान करते हैं, और फिर बाद में भगवान की अवहेलना करते, भगवान की भक्ति से क्या मिला है तुम्हें, क्या मिलने वाला है, छोड़ दो उसको। तो उस तरह से हमको प्रलोभित कर लेता है। जब रावण ने सीता को अलग अलग पद से लंका में लेके अपना महल दिखाया और प्रलोभन किया, सीता ने उसके ओर ध्यान भी नहीं दिया, सीता ने अपना मन भगवान, अपने चेतना भगवान पर लगाई हुई। उस तरह से इस भौतिक जगत में मन हमको बहुत सारे सपने दिखाएगा, मैं ये भोग करने का मौका दूंगा, ये तुम ये भोग कर सकते हो, तुम वो भोग कर सकते हो, पर अगर हम भगवान में केंद्रित रहते हैं तो फिर इस सब के द्वारा मोहित नहीं होंगे। फिर जब श्री रावण ने क्या किया, अच्छा पुलिस बुला पुलिस, उसके द्वारा सीता का जो हौसला है तोड़ने का प्रयास किया। जब कोई गुनहगार होता है तो जो बुरा पुलिस होता है आके उसको पीटता है, धमकाता है, और जब अच्छा पुलिस है वो क्या, उसको सांत्वना देता है, उसको रंग पट्टी करता है, और दोनों उसे जानकारी उगलवाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से क्या है, रावण कुछ राक्षसियों के द्वारा सीता को धमकी देता था, और कुछ राक्षसियों के द्वारा वो उसको शांत करने का प्रयास कर रहा था, को उसको सांत्वना देके फिर उसके ओर अपनी ओर आने का प्रयास कर रहा था, पर इससे भी सीता प्रभावित नहीं हुई। तो वैसे ही कभी कभी हमारा मन हमको धमकाता है, तुम इतना नियम पालन करो कब तक कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो छोड़ दो उसको, ये नामुमकिन है, और फिर कभी हमको प्रलोभित करता है, ये छोड़ दो तुम, इतना ज़्यादा भोग है, तुम बस थोड़ा सा छोड़ दो इसको, तुमको बहुत भोग मिल जाएगा। तो उस तरह से ऐसे हमारा मन हमको प्रलोभित करता है, पर हमें इस मन से बचना है, और मन से बचने के लिए हमें भक्तों का संग चाहिए। जैसे विभीषण की पत्नी शर्मा का संग मिला उसको, तो फिर उससे क्या हो गया, सीता को कुछ संग मिला, उससे सांत्वना मिलता, हमें भक्तों का संग मिलता है। हनुमान ने आके राम के का संदेश दिया, राम को संदेश लेके गए, वैसे ही हमारे गुरुवर होते हैं जो हमें आके भगवान का संदेश देते, कि भगवान कितना हमसे स्नेह करते हैं, उसके द्वारा फिर हमारा हौसला और बढ़ जाता है। और जब रावण ने अपने जादूगर राक्षस के द्वारा राम का सिर बना दिया, का एक नकली सिर बना दिया, तो सीता का हौसला लगभग टूट गया। तो पर तभी भी जो है विभीषण के पत्नी ने उनको सांत्वना दी, उनको पता है कि वास्तव में ये राम का सिर नहीं है। ठीक उस तरह से आजकल भौतिकवादी लोग, कुछ भौतिकवादी पंडित कहते हैं कि
भगवान तो मर चुके हैं, धर्म केवल अंधश्रद्धा वाले लोगों के लिए है, पर ऐसे नहीं है। लोग सोच रहे थे कि धर्म और भगवान की मृत्यु हो जाएगी, पर 150 साल से लोग सोच रहे हैं, पर धर्म दुनिया में है अभी तक, न केवल है पर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि विज्ञान महत्वपूर्ण है, पर विज्ञान केवल हमारे शरीर की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। जो आत्मा की ज़रूरत है, जो जीवन में उद्देश्य क्या है, वो बताता नहीं है आपको विज्ञान। विज्ञान हमें सिर्फ कैसे गाड़ी और तेज़ चला सकती है बताता होता है, पर गाड़ी को कहाँ ले जाना है यह हमें सिर्फ अध्यात्म बता सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान। तो इन सब प्रलोभनों से, धमकियों से बिना प्रभावित थे जो सीता श्रद्धा से राम के लिए, राम के स्मरण में रहते हुए राम का इंतजार करते रहे, तो फिर भगवान ने राम उनको छुड़ा लिया रावण से। इस तरह से अगर हम श्रद्धापूर्वक भगवान की भक्ति करते रहते हैं तो भगवान आएंगे, तेषां अहं समुद्धर्ता, वे हमें इस भौतिक जगत के जल जल से, इस पिंजड़े से, इस बंद घर से हमें छुटकारा प्राप्त करके उनके आध्यात्मिक धाम में जरूर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल है? प्रभु, रामायण बुक्स कहाँ है बताएं? रामायण बुक्स रामभद्र पे, वी हैड अ होल पैक ऑफ रामायण बुक्स विच यू गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट। कैन यू चेक विद रामभद्र प्रभु, पूछो ना कहाँ रखा है, या आनंद प्रभु को पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है? बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।